फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल सिल्पीज किचन में। आज मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ, इंस्टेंट रेसिपी है, बहुत ही कम घी तेल में जल्दी से जल्दी बनकर तैयार चुटकियों में। देखते ही ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी, एकदम हेल्दी स्नैक्स है। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे तो बेल आइकन, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। चलिए आज की रेसिपी देख लेते हैं। यहाँ हमने एक ली है बड़ी सी प्लेट। अब इस बड़ी सी प्लेट में मैं 4 टेबल स्पून ले रही हूँ गेहूं का आटा। आप रेसिपी को ध्यान से देखिए, बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी है, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। अब इस आटे में मैं मिलाऊंगी 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। बहुत ज़्यादा स्पाइसेस इसमें नहीं पड़ेंगे, एकदम हेल्दी है और क्विक एंड इजी रेसिपी है। और इसमें डालेंगे नमक। इस रेसिपी में थोड़ा ज़्यादा ही रखिए, क्योंकि ये सारा नमक बार में डिजोल्व हो जाएगा। अब इन सारी चीज़ों को, दोनों चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे और कोई मसाले हम इस रेसिपी में नहीं डालेंगे। मैं एक स्नैक्स बनाने जा रही हूँ, वो बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसको कर देते हैं हम साइड में। यहाँ मैंने लिया है 1 बैगन। अब आप कहेंगे बैगन का भरता बना रही होंगी या पकौड़े बना रही होंगी। नहीं, मैं ना बैगन का भरता बना रही हूँ ना पकौड़े बना रही हूँ। बैगन का साइज आप देख सकते हैं, अगर आपके पास इतना बड़ा साइज नहीं है कोई बात नहीं, इससे छोटा भी है चलेगा, लंबा है वो भी चलेगा, बस गोल होना चाहिए। अब मैंने इस बैगन को आगे से इस तरह से मैं कट कर दूंगी। ये देखिए, ये मैंने निकाल दिया इसका। अब मुझे इसके गोल गोल स्लाइसेस चाहिए इस तरीके से। आज बच्चों को पकोड़े खाने का मन कर रहा था तो बोला, लेकिन बच्चे बोले मम्मी कुछ नया बनाना, कुछ स्पेशल हो और जल्दी बन जाए। इस तरीके से मैं इसके स्लाइसेस कट कर लेती हूँ। स्लाइस ऐसे होने चाहिए, बहुत ज़्यादा ना बड़े ना मोटे, कम से कम 1/2 इंच का होना चाहिए। देखिए इस तरह से बैगन के मुझे गोल गोल स्लाइसेस चॉप कर लिए हैं, कम से कम इतना मोटा स्लाइस होना चाहिए। आप देख सकते हैं छोटा बैगन होगा वह भी अच्छे से बन जाएगा, मेरे पास थोड़ा बड़ा था तो मैंने बड़े को कट कर दिया। अब इसको हमें बिना टाइम वेस्ट किए इसको करना है साइड। जो आटा हमने प्लेट में रखा था ना, इसके मसाले अच्छे से मिक्स कर दीजिए, और हमने जो चॉप किए हैं बैगन के स्लाइसेस इस तरह से इसमें डालिए और इसके ऊपर से इस तरह से कवर कर दीजिए, ये अच्छे से कवर हो जाए। ये देखिए दोनों तरफ से ये अच्छे से कवर हो जाने चाहिए। प्लेट इसीलिए थोड़ी सी बड़ी लीजिए, सारे स्लाइसेस इसी तरह से हमारे कवर हो जाने चाहिए। हमें ना तो इसमें पानी मिलाना है ना ही कुछ और, बस नमक और मिर्ची मिलानी है। इसी से इस बहुत बढ़िया स्नैक्स बनकर तैयार होगा। सारे इस तरह से मैं कवर कर लेती हूँ। देखिए इस तरह मैंने इसको पूरी अच्छी तरह से कवर कर दिया है और एक के ऊपर एक रख दिया है, क्योंकि प्लेट इससे बड़ा लेना पड़ेगा और मेरे स्लाइसेस भी थोड़े से बड़े हैं। अभी आपको लग रहा होगा ये तो सूखा सूखा है। अब इसको हम कम से कम 1/2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। 1/2 घंटे बाद देखिए ये आटा इस तरह से इसके ऊपर चिपक जाएगा, बाकी का हम झाड़ देते हैं। जो एक्स्ट्रा आटा है उसको हम झाड़ कर इसी में छोड़ देते हैं और बाकी का प्लेट पैन निकाल लेते हैं। ये देखिए ये अच्छे से इसके ऊपर चिपक गया है, इसको साइड करते जाते हैं और बाकी का आटा ये भी यूज आ जाएगा। आप या तो इनके पकौड़े बना लीजिए या फिर आटे की पराठे भी बन सकते हैं, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ जाएगा। ये देखिए कितने अच्छे से इसके ऊपर ये कवर कोटिंग चढ़ गई है, ऐसा ही हमें चाहिए। ये देखिए एक्स्ट्रा हम झाड़ देते हैं जिससे हमारे, ये देखिए ये सारा इसी तरह से निकाल देती हूँ मैं। देखिए कितने अच्छे से इसके ऊपर ये चिपक गया है,
ठंडी का टाइम है, टाइम कहाँ निकल गया पता ही नहीं चलता, टाइम बहुत कम रह जाता है। उसके लिए ये रेसिपी एकदम परफेक्ट है, बहुत ही कम समय में बन जाती है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर हमने एक फ्लैट पैन रख लिया है। अब ऑयल से हम इस पैन को ग्रीस कर देंगे, हल्का सा ग्रीस करना है। ग्रीस होने के बाद अब ये स्लाइसेस हमें इसके ऊपर इस तरीके से रख देने हैं। एक पैन में जितने आ जाएंगे हम उतने रख देंगे। ये देखिए, हम इन्हें फ्राई नहीं करेंगे। अब हम इसके चारों तरफ हल्का हल्का सा ऑयल इस तरह से ग्रीस कर देंगे जिससे ये जल्दी से हमारे फ्राई हो जाए। इसको फ्राई होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। इस तरीके से बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है। मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट इनको पकते हुए हो गया। अब हम इसको पलट देंगे। ये देखिए, ये इतना क्रिस्पी हो गया है एक साइड से। इस तरीके से ही ये बाकी के भी हम पलट देते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया। दोनों तरफ से ब्राउन होने के बाद इनको हम निकाल लेते हैं। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। लीजिए, ये आ गया हमारा दूसरा। लीजिए, बनकर तैयार है ये हमारा हेल्दी स्नैक्स। बहुत ही कम घी तेल में बनकर तैयार हुआ ये रेसिपी। इंस्टेंट रेसिपी है, सर्दियों में बहुत कम टाइम होता है, बच्चों की छुट्टी हो तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, कब दिन हुआ कब रात हो गई पता नहीं चलता। बहुत ही कम समय में जल्दी जल्दी में बना ये स्नैक्स, खाने में बहुत ही टेस्टी है। ऊपर से ही है ये क्रिस्पी, मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। ये देखिए कितना क्रिस्पी बना है। ये देखिए, आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। ऊपर से ये क्रिस्पी है, अंदर से है सॉफ्ट। हाँ, अगर आप इसको रख कर खा रहे हैं तो कम फ्राई कीजिए और दोबारा गर्म करके फिर खाइए, क्योंकि ये रखने के बाद थोड़ा सॉगी हो जाता है। अगर आप तुरंत की तुरंत खा रहे हैं तो मस्त है, एकदम क्रिस्पी एंड सॉफ्ट, खाने में बहुत ही ज़्यादा जूसी। अगर आज की रेसिपी ये अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। ये किसी चटनी या सॉस के साथ नहीं खाया जाता, ऐसे ही खाया जाता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है। अगर आज की रेसिपी ये अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करके जरूर बताइए। और आप कौन सी रेसिपी जो बिना घी तेल से है, हेल्दी है, देखना चाहते हैं वह भी जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, टिल देन गुड बाय।